अभी जस्ट मैं फ्रेश हुई हूँ और यहाँ पर देखो ना ये पागल मेहंदी निकाल रही है। हाय आई मेरे दोनों हाथ पे निकाले हुए मैंने। दादी को देखो मेरे दादी को बहुत अच्छी लगी है मेहंदी। चूना देखा, मेहंदी लगाने के बाद में चूना लगाना पड़ता है, फिर वो चूना जी कौन तो चूना इतने तो सांगा चूना हाथ में मलना पड़ता। अगर मैंने इतनी मेहंदी तेरे अच्छी हाथों पे निकाली होती तो क्या हो जाता, तो मैं तेरे को एक पप्पी दे देती पप्पी दे देती आज शादी और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। मैंने अपना आउटफिट पहन लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप करना है तो मैं कर लेती हूँ। मेरा मेकअप तो हो गया, अभी बस मुझे है ना इसका मेकअप करना है और जल्दी से नीचे चले जाना है। चल ये देखो कितना सारा सामान लेके बैठ गए। क्या हो गया कि नहीं, थोड़ा बाकी है करूं फिर जल्दी चलो ना। हाँ इसी का बाकी है, मेरा हो गया। पापा सुनो ना, सबने मेकअप किया है, आपने क्यों नहीं किया? हल्का सा कुछ तो भी लगा लो ना। नहीं मैंने नहीं करता, और लड़कियों के लिए ठीक रहता मेकअप। मैं क्या मेकअप, मैंने अपने शादी में भी मेकअप नहीं किया था। देखा ना तुमने फोटो, देखा है ना मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। चलो तुम जल्दी से ये करो। चल जल्दी नीचे, हम दोनों ही रह गए हैं बस सबके साथ फोटो निकालने के लिए, तो जल्दी से चलो फोटो निकालते हैं। आ गई मैं पापा। अभी हम आए पहले मंदिर में, ये देखो मंदिर। मैंने महादेव का दर्शन कर लिया, चलो अभी उधर अंदर चलते हैं, अंदर वाले मंदिर में। पापा आपको क्या क्या मिला था शादी में? मेरे को सिर्फ तेरी माँ मिली थी बस। और सर्टिफिकेट मिला था कोर्ट से। ओए मम्मी तो मिल गई ना बस। लेकिन उसको धार नहीं है, इसको लेकिन ये असली है। तो धार लगाना इलीगल है, अगर इसको धार लगाएंगे तो
इसको नहीं रख सकते फिर, जब तक इसमें धार नहीं है तब तक ये एक खिलौना है, इसको रख सकते हैं लीगली। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ और शादी के लिए मेरा ये वाला ड्रेस है। चलो कोई ना, मैं मेकअप होने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। कार में बैठेंगे फिर आपसे बात करूंगी। आ गई तू तो पूरा ही आ जा। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना, ये दूल्हा दुल्हन की गाड़ी है और ये हमारी गाड़ी है, हम इसमें जाएंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ उधर के साइड बैठ जाती हूँ, हम सीधा घर पे जाएंगे। पापा कब आएंगे? कब से उधर ही बैठे हैं। पापा को फिर भी मैंने बोला जल्दी से आ जाओ। वैसे शादी में मज़ा तो आया लेकिन मैं अभी बहुत थक गई हूँ। सब लोग पूछ रहे थे कि पापा को क्या हो गया, तो आप सबको पता है कि पापा और मैं पुणे के एक छोटे से गांव में शादी के लिए गए थे, तो वहां पर पापा का खाना ठीक से हो नहीं रहा था। पापा को एकदम शूट खाना लगता है ना, तो वहां पर पापा का खाना टाइम से नहीं हो रहा था, बहुत मतलब लेट हो रहा था और ऑयली खाना था, तो वो पापा को चलता नहीं है। तो पापा के ना पैनक्रिया पे सूजन आ गई और शादी के रात को ही पापा को बहुत वॉमिटिंग होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। फिर शादी के सुबह दूसरे दिन ही हमने ना पापा को वहाँ पर एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट हो नहीं रही थी, सलाइन लगाई थी, पेन किलर्स भी दिए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर पापा को रात को वॉमिटिंग हुई और वहाँ से ना मतलब खून की वॉमिटिंग हुई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम औरंगाबाद आएंगे और यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे।
फिर हम वहाँ से रात को 9:30 बजे निकले और औरंगाबाद आए रात को 1 बजे और फिर पापा को यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया और फिर आप सबकी दुआओं से अभी पापा को ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप ऐसी दुआ करते रहो कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए। पापा को भी ठीक लग रहा है और पापा के है ना पेट में, नाक से ऐसे पेट में ना ये डाला है, पाइप डाला है, तो है ना वो पेट में का जो एसिड है ना वो ऐसे निकल रहा है यहाँ से, तो ये सब वो एसिड है पेट में का, यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है पूरा एसिड है। ये पापा के पेट में था ना तो पापा को बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी वो सब बाहर आ गया है ना तो पापा को अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। पापा कभी इतना हैवी खाना नहीं खाते ना, लास्ट टाइम भी पापा को ऐसे ही हुआ था, पापा ने लास्ट टाइम भी बहुत हैवी खाना खा। जल्दी से ठीक हो जाऊंगी।